महानायक के बाद अब बाहुबली को भी ना छोड़ा ये महामारी, और दबंग और सिंघम अंडरग्राउंड है और सूर्यवंशी भी छिपे हुए हैं। जी हाँ भाई, अभी अभी न्यूज रात को ही न्यूज आई थी कि हमारे बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली को कोरोना पॉजिटिव ऐसा सुनने में आया कि हो गया है और उन वो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गए। जी हाँ, वही राजा मौली जिन्होंने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी इंडिया बॉक्स ऑफिस पे दी, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ने के लिए पूरी इंडिया के जितने भी बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड सब पीछे पड़े हुए हैं कि इसका रिकॉर्ड की माँ बंद कैसे करूँ, मगर कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला पैदा नहीं हो रहा है। क्या पता इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कब पैदा होगा, किस हाल में पैदा होएगा। तो भाई ये एक सैड न्यूज है, बस यही दुआ करता हूँ कि हमारे राजा मौली साहब को जल्दी सा सेहत सही हो जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए, मात देते जैसे अमिताभ बच्चन का सेहत में सुधार आ रहा है, और उनका जो अभी ये अपना ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन ये लोगों को सब नेगेटिव हो चुका है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि राजा मौली साहब भी नेगेटिव ही हो जाएं, कोरोना पॉजिटिव जो आए। भाई आप लोग भी दुआ करो क्योंकि राजा मौली साहब नेक्स्ट मूवी उनकी जो आ रही है RRR, उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत है। तो बस दुआ है हम लोगों की और हमारे तरफ से फिल्मी जो अपना बॉलीवुड मेटनी वर्ल्ड के जितने टीम है हम लोग सब दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सेहत आपका सही हो जाए भाई। और आप लोग जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ दुआ कीजिए कि उनका जो सेहत है दुरुस्त हो जाए। बस भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।